नमस्कार, मैं हूं आशीष राव, लाइव टीवी समाचार, लोकतंत्र की आवाज में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं कुछ अहम खबरों की तरफ। राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा दिवस के अवसर पर पोषण मेला आयोजित। राष्ट्रीय पोषण मिशन पखवाड़ा के तहत चांदन प्रखंड मुख्यालय के बाल विकास परियोजना भवन परिसर में CDPO वंदना दास के नेतृत्व में शनिवार 25 सितंबर 2021 को सितंबर माह से चली जा रही पोषण दिवस के अवसर पर पोषण मेला का आयोजन किया गया। इस आयोजन को उद्घाटन CDPO वंदना दास के हाथों फीता काट कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रखंड से आए दर्जनों सेविका और सहायिका द्वारा पूरे कार्यालय को दुल्हन की तरह फूलमालाओं से आकर्षित ढंग से सजाया गया और तरह तरह की रंगोली भी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तत्पश्चात प्रखंड कार्यालय से उच्च विद्यालय मैदान तक रैली भी निकाली और बच्चों को कुपोषण दूर भगाओ और सही पोषण देश रोशन के स्लोगन लिखकर नारा लगाई गई। इस अवसर पर CDPO वंदना दास ने बताया कि राष्ट्रीय पोषण मिशन सन 2018 से चली आ रही है, जिसके तहत प्रत्येक वर्ष की भांति सितंबर माह में मनाई जाती है। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को पौष्टिक आहार लेना सबसे जरूरी है। CDPO ने जानकारी दी कि इस अवस्था में कुपोषण को दूर भगाने के लिए कुछ जरूरी कदम उठाना जरूरी है। लोग समझते हैं कि महंगे फल खाने से पौष्टिक आहार मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। घर में उगाई हुई पपीता, सहजन की दलिया इत्यादि पकाकर खाने से पौष्टिक आहार मिलता है। साथ ही साथ यह भी बताया कि नवजात बच्चों के लिए माँ का गाढ़ा पीला दूध अमृत के समान होता है, इसलिए सभी धात्री माँ को चाहिए कि अपने बच्चे को अपने ही दूध का सेवन निश्चित रूप से कराएं। इस अवसर पर महिला पर्यवेक्षिका संगीता कुमारी, नीलिमा कुमारी, राजकुमारी, डाटा ऑपरेटर उपेंद्र राय, प्रखंड समन्वयक सदाव आलम, प्रमिला देवी, सुलेखा कुमारी, सुमित्रा, सविता देवी, सेविका लीना मूर्ति, मंजू देवी, सरिता देवी सहित दर्जनों सेविका सहायिका मौजूद रही। लाइव टीवी समाचार के लिए संवाददाता उमा कांत शाह की रिपोर्ट। क्या संदेश देना चाहेंगे? ये पोषण पखवाड़ा का हम लोग यही संदेश देना चाह रहे हैं कि 2018 से ये शुरू हुआ है। राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी सितंबर माह में ये मनाया जा रहा है और इसमें छोटे छोटे पोषण के जो सूत्र है, कैसे एक महिला गर्भधारण करती है तो उसके बाद उसकी समस्याएं जो आती हैं उनसे लेकर के एक बड़े बच्चों तक में जब वो स्तनपान कराती हैं बच्चे को तो वो कितना जरूरी है एक बच्चे के लिए, उन सब चीजों की जानकारी देना, महिलाओं में पौष्टिक भोजन कितना जरूरी है। हम लोग ये समझते हैं कि महंगा फल खाने से या महंगे चीजों के खाने से ही पौष्टिकता मिलती है, जबकि ऐसा नहीं है। अपने घरों में भी उपजाए हुए, चाहे वो पपीता हो चाहे सहजन की फलियां हो, ये भी बहुत अपने आप में भरपूर पौष्टिक से भरपूर चीजें हैं जिनको कि बचा के बना कर वो खिला सकती हैं। अभी आंगनवाड़ी केंद्रों में भी पौष्टिक लड्डू और सत्तू लड्डू का हम लोग ये इनोवेशन उसको किए हैं ताकि बच्चों में वो बांट सके और उसको एक स्वस्थ समाज के लिए उसको हम लोग तैयार कर सके। ये हमारे पोषण के सूत्र हैं और जितनी आंगनवाड़ी सेविका है इसमें उन्हें भरपूर सहयोग किया है। फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।